मैच में इब्राहिमोविच ने 77वें और इंजरी टाइम 91वें मिनट में गोल दागे। पायल फोर्ट और कार्सन अमेरिका स्टार फुटबॉलर ग्लातन इब्राहिमोविच मेजर लीग फुटबॉल में दो गोल दागते हुए अपनी टीम को बेहतरीन जीत दिला दी। स्वीडन के स्टार खिलाड़ी ग्लातन इब्राहिमोविच ने लीग की टीम लॉस एंजलिस गैलेक्सी के लिए अपने पहले मैच में दो शानदार गोल दागे और अपनी टीम को लॉस एंजलिस फुटबॉल क्लब LAFC के खिलाफ 4-3 जीत दिलाए। शनिवार को हुए मुकाबले में इब्राहिमोविच ने 77वें और इंजरी टाइम 91वें मिनट में गोल दागा। उनका यह प्रदर्शन लॉस एंजलिस गैलेक्सी को जीत दिलाने में निर्णायक साबित हुआ। यह भी पढ़ें, रोनाल्डो ने पुर्तगाल को जिताया, बने ऐसे सिर्फ तीसरे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर। ग्लातन ने गैलेक्सी की टीम के साथ शुक्रवार को अपने पहले अभ्यास क्षेत्र में भाग लिया था। मैच में आने के 6 मिनट बाद ही ग्लातन ने MLS में अपना पहला गोल किया और टीम को 3-3 की बराबरी दिलाई। उन्होंने यह शानदार गोल 35 गज की दूरी से किया। वीडियो ने मार्के गोल से ब्राजील ने जीता ओलंपिक गोल्ड। इसके बाद इब्राहिमोविच ने इंजरी टाइम 91वें मिनट में गोल दाग कर गैलेक्सी को जीत दिला दी। मैच आखिरकार उनकी टीम ने 4-3 जीता। इनपुट एजेंसी हिंदी न्यूज से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook और Google+ पर ज्वाइन करें, Twitter पर फॉलो करें।